Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. I Dr. H. S. Siddhu, I teach International Relations and Indian Economy teach karta I have been mentoring the civil services aspirants for uh, more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are conducting fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services examinations.

सो so, इस सीरीज़ के अंडर आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज रिलेटेड विद द इंडियन इकॉनमी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज विल ओ डी ओ पी ओ डी ओ पी मीन्स वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम हेल्प ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ इकॉनमी सो ये जो वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम है ये कैसे इंडिया की इकॉनमी की ट्रांसफॉर्मेशन करेगी या कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है दैट इज द टॉपिक फॉर डिस्कशन टूडे सो ओडीओपी स्कीम के बारे में हम आज के इस लेक्चर uh, के अंदर uh, देखेंगे क्या है एंड देन हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे बेनिफिट्स को लेकर के ही हम कह सकते हैं कि यस दिस कैन हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनमी सो so बेसिकली क्या है कि हर एक रीजन या हर एक डिस्ट्रिक्ट है या डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट प्लस उसके कुछ आसपास के एरियाज होते हैं उनकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर के सो right. so किसी एरिया के अंदर वी कैन से सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स की के लिए फेमस होता है कोई एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी फेमस है Koi area for the production of the milk and other dairy products famous, hai. koi area for honey production famous. Hai. So, accordingly, you can say that uh, every district or the different regions of the country are having the comparative advantages as far as the various products are concerned. So, therefore, the government in, of India has come out with a plan. The plan is ODOP plan uh, in which you can say. द वेरियस डिट्रिक्स ऑफ द कंट्री यू कैन से उनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट सो दैट किसी डिस्टिक की जिस जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन है वहाँ पर उसको उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रमोशन के लिए सपोर्ट किया जाए सो दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट कैन बी मेड एन

सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम सो एज़ फर एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी कैप्टन माइंड एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट वॉज कंसिव्ड बाई द यूपी गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड एटीन एंड लेटर अडोप्टिडर इंडिया सो पहले इसको टू थाउजेंड एटीन में यूपी की गवर्नमेंट ने कन्सीव किया था यूपी में स्टार्ट हुई जो स्कीम बाद में इसकी सक्सेस को देखते हुए इसके रिजल्ट्स को देखते हुए सो इट हैज बीन अडॉप्टेड ऑल ओवर इंडिया इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया सो इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर द रेशो ऑफ सेंटर स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है जहाँ पर सेंट्रल स्टेट की जो रेशो है

सो so, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो मेनली वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है एंड okay? uh, uh, वहाँ के जो लोकल लोग हैं दे जनरेट देर इनकम फ्रॉम दैट प्रोडक्ट तो दिस इज द पॉइंट हेयर एंड देन इट इज़ एन इनिशिएटिव टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सो इससे क्या होगा फिर डिस्ट्रिक्ट uh, लेवल के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जाएगा इट विल हेल्प इन दैट दैट मीन्स दिस स्कीम एम्स एट डिसट्रलाइज्ड इकनॉमिक ग्रोथ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कि इंडिया के जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो एक इम्बेलेंस uh, है जो एक डिस्पेरिटी है एज फार एज द ग्रोथ एंड डेवेलपमेंट इज कंसर्नड तो उस डिस्पेरिटी को रिमूव करने में इस uh, uh, जो प्रोग्राम uh, की सपोर्ट ली जाएगी दिस विल बी हेल्पफुल इन दैट ओके सो इट इज एन इनिशिएटिव टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट इज सिलेक्टेड ब्रांडेड एंड प्रमोटेड बाय प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सो अब क्या होगा इसके अंदर फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट से यू कैन से एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी सिलेक्ट किया जाएगा उसकी ब्रांडिंग की जाएगी उसको प्रमोट किया जाएगा ओके सो दैट इज देयर एंड जो भी उस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए वहाँ पर सपोर्ट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो बी प्रोवाइडेड देयर दैट इज द पॉइंट द स्कीम इज अबाउट टर्निंग एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन एन एक्सपोर्ट हब सो इस स्कीम के जरिए क्या होगा

एक्टिविटी uh, जो है दैट विल गेट प्रमोटेड ओके सो हर एक डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग हैं उनकी जो लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट होगी उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगी वहाँ के जो आर्टिस हैं उनको सपोर्ट मिलेगी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा बिकॉज फिर हमें एक्सपोर्ट के लिए या ट्रेड के लिए यू कैन से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी दैट विल आल्सो भी देयर एंड इन दिस वे एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बिकम एन एक्सपोर्ट हब एंड ऑन द लार्ज स्केल वी कैन से दिस विल हेल्प द नेशन आल्सो बाय यू कैन से रिड्यूसिंग द दिस ट्रेड डेफिसिट ऑफ द कंट्री current account deficit of the country and by improving the foreign exchange position of the country and uh, in this way uh, we will uh, this will promote the soft power of the country also on the large scale, if we uh, talk about that okay and this will support the large scale industries as well. so that is why uh, this is a very good idea you can say wonderful idea. फॉर इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन सेवन हंड्रेड थर्टीन डिस्ट्रिक्स सो अगर मैं आज की बात करता हूं so अभी तक हमने भारत के सेवन हंड्रेड एंड थर्टीन डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया है इन थर्टी फाइव स्टेटी एंड द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द स्कीम इसकीम के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग दैट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द स्कीम second is the directorate general of uh, foreign trade department of commerce. that is the second stakeholder. and third is that is the uh, department for promotion of industry and internal trade, which is dpiit. so odop is merged with the district as export hub. Ye basically, our <coughs> dgft head director general of uh, foreign trade, hai, unka ek uh, स्कीम uh, है दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव कहते हैं हम इसको और ओ डी ओ पी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को उसके साथ मर्ज कर दिया गया है एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम है इसके अंदर डी पी आई आई टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स सो दिस इज देयर एंड इसमें स्टेट का रोल क्या रहेगा इसमें स्टेट का जो स्पेसिफिक रोल है दैट इज

एंड जो भी प्रोडक्ट फिर सिलेक्ट हो जाएगा उस प्रोडक्ट को लेकर के फिर बेसिक स्टडी होगी दैट विल आल्सो बी कंडक्टेड बाय द स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ द सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर सो दिस इज द पॉइंट हेयर एंड नाउ द नेक्स्ट इज दैट वट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर एलिजिबल अंडर इट एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न मेनली द फूड प्रोडक्ट्स वी कैन से दैट इज द पेरिशेबल That is the we can say perishable agricultural produce. So, what will be there? Uh, one is the perishable agricultural produce, will be there. So, perishable agricultural produce and then cereal based products also are eligible under the scheme, and then food products are also eligible under the scheme. Okay, so certain other traditional and innovative products, including. वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट अदर विच आर वेल्थ प्रोडक्ट्स. हम जो वेस्ट मटेरियल से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं वेस्ट टू वेल्थ स्कीम तो वो प्रोडक्ट्स भी एलिजिबल रहेंगे कैन बी स्पोर्टेड अंडर द स्कीम फॉर एग्जाम्पल हानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ट्राइबल एरियाज एंड ट्रेडिशनल इंडियन हर्बल एडिबल आइटम्स लाइक टर्मेरिक आमला एटसेट्रा सो वेस्ट टू प्रोडक्ट एंड प्लस ये वाले भी प्रोडक्ट्स हैं जो दोन एलिजिबल अंडर दिस ओके हर्बल एडिबल आइटम्स एंड देन इट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू कवर देंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑल्सो एज वेल एज द टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो सो इसमें अब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और टेक्सटाइल सेक्टर को दोनों को भी कवर किया गया है जब दोनों को भी कवर कर लिया गया है एंड वट टाइप ऑफ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड इसके अंदर कैसी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है दैट इज सपोर्ट फार प्रोसेसिंग एक तो इसके अंदर प्रोसेसिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विद एफर्ट्स टू रिड्यूस वेस्टेज सो दैट वेस्टेज कम हो प्रॉपर एसिंग एंड स्टोरेज एंड मार्केटिंग सो इन सब चीजों के लिए इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एंड नाउ वी विल कम ऑन दिस दैट वट विल बी देनिफिट ऑफ द स्कीम यहीं पर जो हमारा टॉपिक है उसका जो क्रैक्स लाई करता है हमारा टॉपिक क्या था कि क्या ओ डी स्कीम इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी या नहीं ये हमें इसके बेनिफिट में मैंने इसको कवर किया है तो वन पॉइंट इज दैट एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि ये जो ओ स्कीम है इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ़ द डिसट्रलाइज्ड ग्रोथ वन थिंग एंड सेकेंड नंबर पर क्या है कि ऑब्वियसली ओ डी ओ पी स्कीम के अंडर जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी है दैट विल बिकम फास्टर सो ओब्वियसली वी कैन सेट इट विल हेल्प इन दैट रिस्पेक्ट एंड देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो इट विल हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल मोर एम्प्लॉयमेंट विल भी जनरेटेड बिकॉज अगर इकनॉमिक एक्टिविटी गेयर अप होगी Uh, भारत के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्स में तो ऑबली इट विल सपोर्ट द एम्प्लॉयमेंट आल्सो मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी मोर डिमांड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मोर डिमांड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मीनस मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड एंड प्रमोशन ऑफ द रूरल एंटरप्रनशिप बिकॉज इस स्कीम के अंदर जो बहुत सारे जो यूनिट होंगे दोज विल बी द माइक्रो यूनिट्स एंड ये जो माइक्रो यूनिट्स हैं जो कम ये कम कैपिटल से uh, कहीं पर भी कोई भी पर्सन है जो वो स्टार्ट कर सकता है सो so, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई यू कैन से कोई प्रोफेशनल स्केल जैसे कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है वैसे नहीं चाहिए होती सो दैट मीन्स जब ये माइक्रो एंटरप्राइजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट एरियाज में खुलेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दैट रूरल यू कैन से एंट्रप्रनशिप विल बी प्रमोटेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन टू एक्सपोर्ट हब्स ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि डिसेंट्रलाइज ग्रोथ डिसेंट्रलाइज इकनॉमिक एक्टिविटी सो देन ऑब्वियसली यू कैन से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्शन होगी एवरी डिस्ट्रिक्टिल बिकम ए प्रोडक्शन हब मैनुफैक्चरिंग हब वी कैन सेट विलपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्राम एवरी डिस्ट्रिक्ट सो Every district will be turned into an export hub and बी structural changes in the lives of the rural population by linking the rural production houses to the global supply chains aise isse kya hoga सप्लाई jo ऐसे इससे क्या होगा कि जो माइक्रो प्रोडक्शन यूनिट छोटे छोटे जो भारत के units में लगेंगे तो उन माइक्रो यूनिट्स को फिर विद स्कीम यू कैन से दो ग्लोबल सप्लाई चेन्स अगर वो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ लिंक होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा Uh, जो भारत के जो विलेजेस uh, हैं उनके अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड देन चेक ऑन आउट माइग्रेशन आउट माइग्रेशन ये है क्योंकि हमारे कंट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो हमारे कंट्री में से निकलकर अदर कंट्रीज में जा रहे हैं वन पॉइंट और दूसरा पॉइंट है जो रूरल एरिया में से निकल के वो टाउन्स में सिटीज़ में जा रहे हैं एंड छोटे टाउन्स एंड सिटीज़ में से निकल के वो बड़े मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं सो इन दिस वे यू कैन से द आउट माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड सिटीज़ फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ टू मेट्रो यू कैन सिटीज़ एंड ओवरऑल फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो ऐसी आउट माइग्रेशन का जो एक हमारे कंट्री के अंदर एक प्रैक्टिस बन चुकी है सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री बिकॉज इससे क्या होता है अगर हम इसको विलेज लेवल पे लगाते हैं तो विलेज में से जो जो भी यू कैन से ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो भी क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हैं वो विलेज से रिलोकेट होके वो डिफरेंट सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं सो इन दैट वे सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक द माइग्रेशन क्योंकि ये जो आउट माइग्रेशन है इसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या है दैट देर इज द लैक ऑफ इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू द पीपल वेयर दे लिव सो काउंटरिंग पावर्टी बाय इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल सो इन दिस वे इट विल हेल्प इन काउंटरिंग द पावर्टी एज वेल पावर्टी को कैसे काउंटर करेंगे क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ज्यादा, ज्यादा जनरेट होगी लोगों की इनकम बढ़ेगी तो पीपल विल बी एबल टू स्पेंड मोर सो अगर वो ज्यादा स्पेंड करेंगे ऑब्वियसलीअर्स देयर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी रेज और अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट होती है तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन काउंटरिंग द पॉवर्टी एज वेल सो दैट इज द पॉइंट एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज सो इट विल हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द Human resources uh, means the human beings uh, will be trained for the particular purposes. They will be provided the skill for that particular trade or profession, and moreover, they will get the exposure of the economic activities. So they will get the necessary expertise. Uh, so in that way, we can say that uh, human resources ki jo capacity build hogi and moreover, second number page jab. इस स्कीम के थ्रू जैसे हमने बात की है कि इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पावर्टी आल्सो अगर पावर्टी रिड्यूस होती है तो ऑब्वियसली पीपल पर्टिकुलरली लिविंग इन द रूरल हु आर पुअर पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मनी फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड एंड फॉर द पर्पस ऑफ द हेल्थ एट्सेट्रा सो दैट विलीड टू द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज दैन इनक्रीज इन ओवरऑल एक्सपोर्ट सो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा एंड हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है दैट विल गेट इम्प्रूवड देन प्रमोशन ऑफ द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इससे क्या होगा फिर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होगी क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला है कि भारत के अंदर एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीजनल इम्बेलेंस एग्जिस्ट करता है रीजनल डिस्पैरिटी है कोई रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है कोई रीजन बहुत पीछे रह गया कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा आगे निकल गया कोई डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज़्यादा पीछे है जो डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली रिमोट में है या जो डिस्ट्रिक्स हैं जो वो ट्राइबल एरियाज उनमें आ जाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्स हैं जो दोज आर कंपेरेटिवली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स एंड देर आर सर्टेन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स आल्सो इन इंडिया सो इट विल हेल्प इन

माइग्रेंट्स की जो तादाद बढ़ रही है वहां पर जो पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है इन दिस वे द रूरल पॉवर्टी इज शिफ्टिंग इन टू द अर्बन सेंटर्स आल्सो सो दैट इज यू कैन से ट्रांसफॉर्मिंग द अर्बन पॉवर्टी तो उसका सोल्यूशन मिलेगा एंड देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये इंडिया की आज सबसे बड़ी समस्या है कि एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन कैसे की जाए बिकॉज uh, 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 हमारा जो क्रॉप साइकिल है अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ देखते हैं तो दैट इज़ पैडी एंड वीट पैडी एंड वीट वही चल रहा है उस उसके चलते हुए हमारी सॉइल खराब हो रही है हमारे वाटर रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी डिटेरियेट हो रही है सो दैट इज वाई इन द वेक ऑफ दैट डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस स्कीम विल हेल्प इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो देन रिडक्शन इन वेस्टेज सो क्योंकि हम वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट बनाएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन इन डबलिंग फार्मर इनकम सो इससे जो फार्मर इनकम है दिस विल हेल्प इन डबलिंग फार्मर इनकम क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना टारगेट रखा था कि बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू द गवर्नमेंट विल डबल द फार्मर इनकम चलो ड्यू टू द कोविड रीजन और अचीव कर पाए बट वी आर हैडिंग टैट सो दिस विलटली कॉन्ट्रीब्यूट इन दैटो तो हेल्प इन अचीविंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत सो so इससे हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी अचीव कर पाएंगे सो so ये इसके बेनिफिट थे तो इन द वेक ऑफ ऑल दिस वी कैन से दैट यस दिस स्कीम इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड विद विल पावर सो देन वी कैन से इट विल हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन इकोनमी बट एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है हेल्प इन द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल इंडिया कि ये रूरल इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगी अगर वैसा आता है तो फिर हम यही चीजें लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ डेवलपमेंट वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वाला मेंशन कर सकते हैं सो so, अगर डिस्ट्रिक्ट एक एक्सपोर्ट हम में कन्वर्ट होते हैं तो दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट द रूरल एरियाज आल्सो देन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रूरल पॉपुलेशन दिस पॉइंट कैन भी देन चेक ऑन आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज दैट इज द क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अदर यू कैन से टाउन सिटीज मेट्रो सिटीज वर्ल्ड आउटसाइड सो दैट इज देयर एंड काउंटरिंग पावर्टी बाय इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल ये पॉइंट कह सकते हैं अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवेल्पमेंट क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट आएगी स्किल डेवेलपमेंट होगी तो कौन होंगे लोग उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे सो दैट मीन्स दैट विल डेफिनेटली इन द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल एरियाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये पॉइंट वहाँ मेंशन किया जा सकता है रिडक्शन इन वेस्टेज बिकॉज वेस्ट टू वेल्थ जो है हमारा सो दैट इज ए वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द रूरल पीपल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डबलिंग फार्मर्स इनकम सो तब हम ये वाले पॉइंट्स लेंगे हम इन पॉइंट को मैंशन कर देंगे इफ द क्वेश्चन इज देयर दैट हाउ द ओडी ओ पी स्कीम कैन हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया तो ये जो स्कीम है ये भारत में कोई नई स्कीम नहीं है ऐसी स्कीम्स पहले डिफरेंट कंट्रीज में हो चुकी हैं जैसे जापान के अंदर वन विलेज वन प्रोडक्ट स्कीम वियतनाम के अंदर वन कम्यून वर्ल्ड वन प्रोडक्ट स्कीम थाईलैंड के अंदर वन तेम्बोन वन प्रोडक्ट स्कीम एंड फिलिपिनस वन टाउन वन प्रोडक्ट स्कीम वन मोहल्ला वन प्रोडक्ट इन उजबेकस्तान वन आईलैंड वन प्रोडक्ट इन ओशनिया एंड अफगानिस्तान में वन आर विलेज आर प्राइड सो ये स्कीम्स डिफरेंट जगह पे ऑलरेडी लॉन्च uh, हो चुकी है चली है उनके जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं उन कंट्रीज के सो so, चैलेंजेस क्या है पहला चैलेंज है अवेयरनेस अमंग फार्मिंग कम्युनिटी एंड लोकल आर्टिस सो इस स्कीम को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि वो तो हमने बेनिफिट्स तो कर लिए अगर हम कहते हैं कि क्या ये हेल्प करेगी इंडिया की ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन में या क्या ये हेल्प करेगी रूरल इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में तो फिर हमें साथ में जो चैलेंजेस को भी मेंशन करना पड़ेगा कि यस दीज आर बेनिफिट्स विच कैन बी रीपड फ्रॉम दिस स्कीम बट देर आर सर्टन इशूज ऑल्सो विच आर दोज इशूज पहली बात है कि जब तक हम गांव के लोगों को साथ नहीं लेके चलेंगे उनको कन्विंस नहीं करेंगे कि इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या है तब तक इस स्कीम की सक्सेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा सेकंड इज़ अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिमोट डिस्ट्रिक्स स्पेसिफिकली क्योंकि जो रिमोट डिस्ट्रिक्स हैं वहाँ पर कोई जाके इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होगा नहीं होगा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा सो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है फाइंडिंग क्वालिटी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इतने बड़े लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जब एक सॉर्ट ऑफ द यू कैन से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लगा देंगे माइक्रो लेवल पे तो उसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी वेदर वी विल बी एबल टू सप्लाई दैट और नॉट क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट दोनों चीजें टेक्नोलॉजी ये अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट दोनों चीजें ये भी चैलेंज है डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग विद द सप्लाई चेन सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करने में डिफ़िकल्टी बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन है सो so ये सब अपने आप में डिफिकल्टीज हैं तो हम इनको कैसे यू कैन से मीट करेंगे देन कंप्लाइंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज इसमें ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं सो दैट इज वाई जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इशू अगर हमने उनको एक्सपोर्ट करना है या कंट्री में भी बेचना है तो हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट इशू सो दैट इज वाई जो फूड प्रोडक्ट्स की जब बात होती है तो उसके साथ फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात आती है सो वेदर वी विल बी एबल टू कम्प्लाई विद डेट और नॉट सो दीज आर द वेरियस चैलेंजेस इन द वे ऑफ दैट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिस इज ए वेरी गुड आइडिया दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर द गवेंट ...for the investors and for the uh, producers also. Okay, primary producers means agriculturists, artisans, investors ke liye and government. Ke liye. So, this is a good idea. Uh, but if it is, a, uh, you can say... Uh, ...implemented and operated with great enthusiasm... Uh, ...and with proper checks and balances, so then this scheme can help in... ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज दिस स्कीम कैन हेल्प इन सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल पीपल आल्सो सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक सो नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच